नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। पंचायत चुनाव का बिगुल फूक चुका है, साथ ही पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इन सबके बीच पंचायत चुनाव को लेकर एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, जो यकीनन मुखिया जी के लिए किसी तुरूप के पत्ते से कम साबित नहीं हुई है। हाल ही में पंचायती राज विभाग ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संचालित सभी खातों के संचालन पर निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक रोक लगाने का आदेश सुनाया था। सिर्फ नल जल योजना को पूरा करने की छूट दी गई थी, जिसके बाद से लगातार राज्य निर्वाचन आयोग के इस फैसले का विरोध होने लगा था। लेकिन अब पंचायती राज विभाग ने संशोधित आदेश जारी किया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि क्रियान्वित योजनाओं में राशि की निकासी की जा सकती है। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीना ने 24 अगस्त को जारी आदेश में संशोधन किया है। नए आदेश से क्रियान्वित योजनाओं में राशि की निकासी की जा रही है। नए आदेश में कहा गया है कि जिन योजनाओं की स्वीकृति मिल गई है उसका काम जारी रहे, जो काम शुरू हो गया है उस पर किसी तरह का कोई रोक ना रहे। नए सिरे से योजना की स्वीकृति और पहले से स्वीकृत योजना जिस पर काम शुरू नहीं हुआ है उन योजनाओं को शुरू करने पर रोक लगी रहेगी। पंचायती राज विभाग ने यह भी साफ किया है कि सभी महत्वपूर्ण योजनाएं जिनका क्रियान्वयन शुरू हो गया है उनके कार्यों और राशि के भुगतान पर लगी रोक को शर्त के साथ हटाया जाता है। शर्त ये है कि कार्यों का क्रियान्वयन, अनुश्रवण और धनराशि भुगतान राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर से निर्गत आदेश आचार संहिता का पालन करते हुए सुनिश्चित करना होगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में भाजपा के विधायक और सांसद ने पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी से इस मुद्दे पर मुलाकात की थी। शिवहर की भाजपा सांसद रमा देवी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने बंद खाते चालू कराने को लेकर मंत्री जी से मुलाकात की थी। पूर्व MLC सच्चिदानंद रॉय और विधायक पवन जायसवाल जैसे कई नाम इस शिष्टमंडल में शामिल थे। इससे पहले भाजपा विधायक पवन जायसवाल ने CM नीतीश को इस मुद्दे को लेकर पत्र भी जारी किया था। इस पत्र में उन्होंने रोक हटाने का आग्रह किया था, जिसके बाद अब मुखिया जी के सभी खातों पर लगी रोक को कुछ शर्तों के साथ हटा दिया गया है, क्योंकि पंचायत चुनाव से पहले कई मुखियाओं ने कई सारी योजनाओं को शुरू कर दिया था, जिसके बाद उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि जारी योजनाओं पर सरकार रोक नहीं लगाएगी, उस पर राशि निकासी को लेकर सरकार कोई फैसला नहीं सुनाएगी। लेकिन बीच में ही पंचायती राज विभाग की तरफ से नल जल योजना को छोड़कर बाकी अन्य योजनाओं पर खर्च की जाने वाली राशि पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद से ही मुखिया जी की बेचैनी देखने को मिल रही थी। हालांकि अब पंचायती राज विभाग ने अपने फैसले में संशोधन कर दिया है, जिससे यकीनन मुखिया जी को काफी राहत मिली है। आपको बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां लगातार जारी है। पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो कि 8 सितंबर तक जारी रहेगी, जिसके बाद 24 सितंबर को पहले चरण का मतदान करवाया जाएगा, जो कि 10 जिलों के 12 प्रखंडों में होने वाला है। हालांकि कोरोना और बाढ़ दो बड़ी समस्या अभी भी पंचायती राज विभाग के सामने मौजूद है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग की यही कोशिश है कि बाढ़ और कोरोना के जारी माहौल के बीच सफलतापूर्वक पंचायत चुनाव का आयोजन किसी भी तरह से करवा लिया जाए। आपके अनुसार पंचायती राज विभाग की तरफ से खाते में जमा राशि का इस्तेमाल योजनाओं के लिए करने का फैसला सही है या नहीं, अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।